तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जो केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर था 11 नंबर गैसीय नियम, तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लें। तो चलिए गाइस बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर वन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर वन में दिया गया है कि ए तथा बी गैसों का अणु भार क्रमशः 2 तथा 32 है। गैस ए का यहाँ पर 100 घन सेंटीमीटर आयतन विस्तृत होने में जितना समय लेता है, उतने ही समय में गैस बी का कितना आयतन विस्तृत हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अणु भार दिए गए हैं, आयतन आपको एक का दिया गया है, दूसरे का निकालना है, और आपको बोला गया है कि दोनों आयतन विस्तृत होने में आपका टाइम वही लग रहा है जो आपका पैर, मतलब कि टाइम आपके सेम है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वन को, तो जिसने थ्योरी वाला पार्ट देखा होगा उसका दिमाग तुरंत यहाँ पर चल गया होगा कि क्या हमको करना है। एम ए का मान 2 है, एम बी का मान 32 दिया है। अब यहाँ पर वी ए का मान 100 सेंटीमीटर क्यूब है और वी बी का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए अब फार्मूला क्या होता है, आर ए अपॉन आर बी बराबर वी ए इंटू टी बी अपॉन वी बी इंटू टी ए इज इक्वल टू रूट के अंदर एम बी अपॉन एम ए। तो ये आपका फार्मूला होता है, थ्योरी वाले पार्ट मैंने आपको समझाया था कैसे आता है। तो यहाँ पर देखिए इससे मतलब है नहीं, हमको सिर्फ इससे मतलब है, तो हम लोग इन दोनों को बराबर कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो वी ए का मान 100 है, आपको पता है समय सेम है, तो हमने इसीलिए दोनों जगह टी टी कर दिया है। अब वी बी का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर एम बी का मान 32 है, एम ए का मान 2 है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करके निकालेंगे तो वी बी का मान कितना आएगा, जो यहाँ पर आपका गैस बी का आयतन है, वह आ जाएगा 25 घन सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, तो पहले नंबर का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वह आपका ए नंबर विकल्प क्या है, राइट है। तो अब यहाँ पर दूसरा नंबर, H2 तथा O2 के विसरण दर का अनुपात यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो पॉलिटेक्निक 2010 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे इसको, तो देखिए R1 अपॉन R2 बराबर क्या होता है, MB अपॉन MA। तो MB का मान यहाँ पर 32 हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जो आपको ऑक्सीजन होता है O2 उसका यहाँ पर आपको परमाणु भार 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 32 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है MA जो आपका हाइड्रोजन है तो उसका परमाणु भार 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 16 अपॉन 1, मतलब कि 16/1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपका R1:R2 आया, R1:R2 बराबर कितना आया, 4:1 आया, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस का जो अनुपात है 4:1 आया, लेकिन विकल्प में आपका नहीं दिया गया ये। और आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट करना चाहिए था कि आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की गैसों का अनुपात कितना है, तब यहाँ पर आपका कितना था, 4:1 आना चाहिए था, या फिर आपका 1:4 देना चाहिए था। तो इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन है, हमने एक वाले को हाइड्रोजन, ए वाले को हाइड्रोजन माना है और बी वाले को क्या माना है, ऑक्सीजन माना है, तो इसलिए ये यहाँ पर थोड़ा सा माइनर इशू है, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए तो अब यहाँ पर दूसरे से तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर में बोला गया है कि जो यहाँ पर आपकी LPG होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका एक होता है यौगिक होता है, तो विकल्प नंबर आपका बी क्या है, ये आपका सही आंसर है। तो अब देखिए चौथा नंबर है कि हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरी गैस एक्स के विसरण की दर से 5 गुनी है, तो यहाँ पर गैस एक्स का अणु भार ज्ञात करना है। तो देखिए चार नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन की विसरण दर है R H2, वह आपकी कोई दूसरी गैस है, दूसरी गैस एक्स है, उससे कितना है, 5 गुना है। तो हम लोग ने क्या किया कि R H2 और RX का अनुपात ज्ञात कर लिया, जो आया 5:1, मतलब कि 5/1 आ गया। अब फार्मूला आपको पता है क्या होता है कि R H2 अपॉन RX बराबर, अब देखिए जो नीचे वाला होता है वो यहाँ पर आपका ऊपर आता है, ऊपर वाला कहाँ जाता है, नीचे जाता है। आपको पता है कि एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो
तो आपको पता है यहाँ पर कि MH2 मतलब कि यहाँ पर एक इसका क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु का, दो परमाणु हुए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, दो आ जाएगा। तो इसे हमने यहाँ पर कितना लिखा, दो लिखा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इधर आपका वर्गमूल का चिन्ह हटेगा, MX/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे गैस जो आपकी एक्स है उसके लिए अणु भार, तो आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर सी है ये आपका क्या है, यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि उच्च दाब तथा कम ताप पर सभी वास्तविक गैसों में गैसें निम्न में से कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए थ्योरी पार्ट में बताया था कि यदि किसी गैस का यहाँ पर आपकी वास्तविक गैस है, आपका यहाँ पर ताप उच्च है, और उसके बाद मतलब कि यहाँ पर आपका दाब उच्च है ताप कम है, दाब उच्च है ताप कम है, तो वह एक आदर्श व्यवहार करती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर ए है वह आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर छठवां नंबर है कि निम्न में किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू होता है, तो विकल्प नंबर जो बी है यहाँ पर H2 और Cl2, तो इसके लिए यहाँ पर आपको जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है वह लागू होता है। तो अब देखिए सातवां नंबर है कि CO2 तथा SO2 गैसों के विसरण गतियों का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब कि विसरण की दर ज्ञात करना है, R1 रेशियो R2, या भी बोल सकते हैं कि R CO2 रेशियो R SO2 का यहाँ पर रेशियो ज्ञात करना। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे सातवें नंबर को, तो यहाँ पर देखते हैं तो R CO2/R SO2, तो SO2 वाला यहाँ ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आपको पता है कि SO2 का परमाणु भार कितना निकलेगा, S का होता है 32, और यहाँ पर जो O है O का आपको पता है कितना होता है, O का होता है 16, 16 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 32, तो 32 + 32 64 हो जाएगा, तो ये मैंने 64 लिख दिया। अब यहाँ पर CO2 तो ये आपको पता है 12 होता है, और ये आपका O2 का पूरा निकल के 32 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए 64 का वर्गमूल करेंगे 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 44 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 4, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का आपका 2 आ जाएगा और 11 का √11 हो जाएगा, तो वह मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 2 से आपको यहाँ पर 8 काटना है, 4 बार में जाएगा तो 4 लिख दिया, और यही आपका रेशियो हो जाएगा जो आपका RCO2 मतलब कि यहाँ पर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो यहाँ पर आपकी SO2 गैस है, तो उनमें जो आपका रेशियो हो जाएगा विसरण गति में, तो 4:11 का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समान ताप एवं दाब पर H2 का एक निश्चित आयतन 26 सेकेंड में विसरित होता है, उतने ही समय में उन्हीं स्थितियों में CO2 का उतना ही आयतन 122 सेकंड में विस्तृत होता है, तो CO2 का वाष्प घनत्व ज्ञात करना है, मतलब कि T का मान आपका मतलब कि दिया गया है और उतना ही आयतन आपका मतलब कि आयतन दोनों बार आपका सेम है, निश्चित आयतन है इतना ही, यहाँ पर आपका भी लिखा हुआ था कि उतना ही आयतन, तो मतलब कि आयतन आपके सेम है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे 8 नंबर को, तो देखिए एक बार आपकी H2 की बात हो रही है, एक बार CO2 की बात हो रही है, तो आपको पता है कि जब आपका वाष्प घनत्व की बात होती है तो आप यहाँ पर M की जगह क्या लिख देते हैं, D लिख देते हैं, और आपका पूरा सेम रहता है। तो देखिए क्या होता है, VH2 × TCO2, और इसके बाद VCO2 × TH2। अब आपको पता है H2 इधर आपने पहले लिखा तो इधर आप नीचे लिखेंगे, इधर आपने CO2 बाद में लिखा तो इधर आपको CO2 ऊपर लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए आपको पता है आयतन सेम है तो इनका काम खत्म हो जाएगा, और इसका मान 122 सेकंड दिया है और इसका मान आपका 26 सेकंड दिया है, और इधर आपका बोला गया है कि यहाँ पर आपको CO2 का वाष्प घनत्व ज्ञात करना है, और आपको पता है कि वाष्प घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, वाष्प घनत्व बराबर यहाँ पर सॉरी गाइस परमाणु भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बराबर 2 × वाष्प घनत्व। तो यहाँ पर अब यहाँ पर निकालेंगे किसका, इसका हम परमाणु भार हमको पता होता है कि 2 होगा, इसका परमाणु भार 2 होगा, तो वाष्प घनत्व आसानी से निकाल सकते हैं, तो कट जाएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो जो H2 का यहाँ पर वाष्प घनत्व है वह 1 आ गया, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए इसको काटेंगे तो आपका 4.69 आएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर जो आपका
CO2 का वाष्प घनत्व तो कितना जाएगा, 21.99 करीबन कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो यही आपको निकालना था कि जो आपका CO2 है इसका वाष्प घनत्व तो कितना होगा। तो इसका वाष्प घनत्व तो आपका कितना होगा, 22 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर विकल्प जो आपका बी है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 8 के बाद चलते हैं हम 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर एनआरटी में जो आपका आर का मान निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो प्रेशर पर और वैल्यूम पर, तो गैस के दाब तथा आयतन पर निर्भर करता है। तो विकल्प नंबर सी यहां पर आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब दोस्तों चलते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है किसी गैस का आयतन 15 डिग्री सेल्सियस पर 300 सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन 600 सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए उसका तापक्रम कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर की बात की नहीं गई है, तो प्रेशर को हम लोग क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, मतलब कि यहाँ पर चार्ल्स का जो नियम है उसको लगा देंगे। तो क्या होता है, यहाँ पर T1 का मान दिया है, इसको हम लोगों ने कैल्विन में चेंज कर लिया 273 जोड़ के, V1 V2 दिया गया है, T2 ज्ञात करना। तो क्या होता है चार्ल्स का नियम में, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। तो यहाँ पर देखिए V1 का मान 300 है, T1 का मान 288 है, V2 का मान 600 है, T2 का ज्ञात करना। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर 576 डिग्री केल्विन आ जाएगा। आपको पता है कि सेल्सियस में आपको आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे 576 में 273 घटा देंगे, कितना बचेगा, 303 डिग्री सेल्सियस। यही आपको ज्ञात करना था कि जो यहाँ पर आपका T2 है उसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर उसका मान होगा 303 डिग्री सेल्सियस। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर है कि किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करती है, तो जो विसरण की दर होती है किस पर निर्भर करती है, तो आपको फार्मूला पता है क्या होता है, आर बराबर 1 अपॉन आपका होता है, सॉरी गैस इसको फिर से लिखते हैं, आर बराबर होता है 1 अपॉन रूट के अंदर एम। तो ये अणु भार मतलब परमाणु भार जो भी है, तो यहाँ पर किस पर निर्भर करती है, यहाँ पर अणु भार पर निर्भर करती है। तो 11 का सी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 2:3 है, तो गैसों के अणु भारों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको पता है अणु भार क्या हो जाते हैं, जस्ट उल्टा हो जाएंगे, क्यों, तो मान लेते हैं R1:R2 बराबर क्या हो जाएगा, M2:M1। R1 R2 का दिया गया है 2:3, अब इनका क्या होगा, यहाँ पर इनका वर्गमूल करेंगे तो आपका क्या होगा, 4/9। अब इनको हम लोग पलटेंगे तो M1 अपॉन M2 करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर 9/4 आ जाएगा। तो मतलब कि विकल्प नंबर जो आपका सी है वह आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोनों को पलट देंगे क्योंकि व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। तो अब 13 नंबर देखिए क्या है, 13 नंबर में बोला गया है कि परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब समान परिस्थितियों में इन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए डाल्टन ने क्या बोला था कि आपकी जो यहाँ पर गैसें अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो उनके यहाँ पर यदि उनको एक पात्र में बंद कर दिया जाए तो उनका अलग अलग प्रेशर जो होगा वह उनके रिजल्टेंट प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पर डाल्टन को जो नियम है ये यहाँ पर बोलता है। तो 13 का डी नंबर विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 नंबर में है कि किसी गैस के विसरण की गति जो होती है वह किस पर निर्भर करती है, तो इसके घनत्व के समानुपाती नहीं, इसके व्युत्क्रम अनुपाती होती है घनत्व के, तो आपका यह गलत हो गया। अणु भार के वर्गमूल के समानुपाती नहीं, इसके व्युत्क्रम अनुपाती होती है। अणु भार के समानुपाती नहीं, इसके व्युत्क्रम अनुपाती होती है। इसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रम अनुपाती, तो जी हाँ यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आर होता है वह क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर एम होता है। तो यहाँ पर इसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, NH3 का 30 डिग्री सेल्सियस तथा 2 वायुमंडलीय दाब पर घनत्व तो कितना होगा, परमाणु भार यहाँ पर आपका एन का दिया गया है और एच का दिया गया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको 15 नंबर को, तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। तो ये रहा देखिए फार्मूला पता है, गैस का समीकरण होता है पी वी बराबर एन आर टी। अब आपको पता है देखिए एन आपका क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो यहाँ पर आपकी मोलों की संख्या होती है वह आपका भार बटे जो आपका अणु भार होता है उसके बराबर होती है। तो एन की जगह हम लोग W अपॉन M कर देंगे और R T कर देंगे। अब देखिए V को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे इधर, तो ये आपका हो जाएगा W अपॉन MV R T। अब आपको पता है कि जो आपका घनत्व होता है वह क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, या फिर आपका भार बटे आयतन दोनों चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका W अपॉन V क्या हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। तो D अपॉन DRT अपॉन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा।
तो यहाँ से हमको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, घनत्व की, वाष्प घनत्व की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे कि डी बराबर, तो ये आपका इधर आ जाएगा और ये आपका आर टी आपका नीचे पहुंच जाएगा यहाँ पर हर में, तो डी बराबर आपका पी एम अपॉन आर टी बचेगा। अब देखिए सभी वैल्यूज हमको दी गई हैं कि इसका यहाँ पर प्रेशर कितना है, ये आपको 2 दिया गया है, और यहाँ पर एम तो एन एस 3 था, तो एन एस 3 में आपको इसका एन का दिया था 14 था, और यहाँ पर 1 × 3 तो कितना हो जाएगा 17, और 17 × 2 34 हो जाएगा। और आपको पता है आर का मान, अभी यहाँ पर ग्राम की बात हो रही, वहाँ पर आपका जूल में था और कैलविन में था, तो जूल में आपका कितना होता था 8 दशमलव कुछ होता था, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन में ग्राम और लीटर में ज्ञात करना है तो इसको जब चेंज करते हैं तो आपको कितना जाता है 0.0821। और यहाँ पर टी आपको टेम्परेचर दिया गया था, उसमें 273 जोड़ेंगे तो आपका 303 हो जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 1.36 ग्राम पर लीटर। तो इसको मैंने सारे यूनिट चेंज करके आपके इधर डायरेक्ट लिखा है, तो यहाँ पर आपको ग्राम लीटर में आंसर निकालना था, तो इसका 1.36 आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा, तो यहाँ पर आपका 1.36 या 1.37, मतलब कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो 15 का ए नंबर विकल्प राइट है। अब 16 नंबर में देखिए बोला गया है कि मेथेन से भरे एक गुब्बारे को एक नुकीली बिंदु वाली सुई से छेद कर उसे तुरंत समान दाब पर हाइड्रोजन के तल में क्या है डुबा दिया जाता है, तो कुछ समय पश्चात गुब्बारा कैसा होगा, तो उसका आकार दोस्तों क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिसका अणु भार क्या होगा, कम होगा, उसका यहाँ पर जो विसरण की दर है ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आर बराबर क्या होता है 1/√ के अंदर एम होता है, तो यदि आपका विसरण की दर अधिक है तो अणु भार कम होगा, अणु भार कम है तो विसरण की दर अधिक होगी, जिसका अणु भार कम उसका यहाँ पर विसरण की दर अधिक होगी। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का जो अणु भार होता है मेथेन की अपेक्षा क्या होता है, कम, तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन में डुबाएंगे तो उसमें विसरण बहुत ही जल्दी होगा, तो यहाँ पर जो जब जल्दी होगा तो बड़ा आसानी से होगा, तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो बी नंबर विकल्प राइट है। अब 17 नंबर में है कि 24 mH2 का विसरण यहाँ पर 100 सेकेंड में होता है, तो उसी समय में SO2 के विसरण का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको 17 नंबर को, तो 17 नंबर देखिए आपको दिया गया है कि जो 7 है गाइस, ये 17 हमको देखना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है VA × TB / VB × TA, और उसके बाद MB/A, मतलब कि जस्ट विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर VA जो आपका यहाँ पर पहले हाइड्रोजन के लिए दिया था 24 था, और उसके बाद यहाँ पर TB मतलब कि जो यहाँ पर आपका पहले टाइम दिया था वह 100 था, और बाद में भी आपका सेकेंड टाइम जो है वह भी आपका 100 सेकेंड ही था, तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 24/VB। और आपको पता है यहाँ पर जो मैंने MB माना है वह क्या था, यहाँ पर आपका SO2 था, और जो यहाँ पर हमने MA माना है वह क्या था, H2 था, तो H2 का आपका 2 हो जाएगा और SO2 आपका 64 होता है, तो 32 बचेगा। और आपको पता है जब 32 को रूट के बाहर निकालते हैं तो कितना होता है 5.65, और VB का मान ज्ञात करना, तो VB बराबर क्या हो जाएगा 24/5.65, तो इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो आपका कितना बचेगा 4.24 मिलीलीटर। यहाँ पर आपको आंसर लीटर में ज्ञात करना था जो आपका आयतन था, इसीलिए मैंने वहाँ पर भी लीटर रखा था और यहाँ पर भी आपका मिलीलीटर ही रखा है, तो यूनिट चेंज नहीं की थी, तो 4.24 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा, तो आपका विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो अब 17 के बाद 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में है यदि क्लोरीन का वाष्प घनत्व 36 मान लें तो किसी बर्तन में हाइड्रोजन के 25 मिलीलीटर आयतन के विस्तृत होने में 40 सेकंड लगते हैं, तो उसी अवस्था में क्लोरीन के 30 मिली के विसरण में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 18 नंबर में आपको टाइम दिया गया है, टाइम एक का दिया गया, एक का निकालना है, और आपको होता है वाष्प घनत्व जो आपका परमाणु भार बराबर क्या होता है 2 × वाष्प घनत्व, तो यहाँ पर देखिए वाष्प घनत्व किसका दिया है, क्लोरीन का 36 दिया, तो क्लोरीन का यहाँ पर परमाणु भार कितना जाएगा 72 आ जाएगा, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पर आयतन इंटू यहाँ पर क्लोरीन को विसरण होने में लगा समय, फिर यहाँ पर क्लोरीन का आयतन इंटू हाइड्रोजन को विसरण होने में लगा समय, और इसके बाद इधर रूट के अंदर यहाँ पर जो आपका क्लोरीन का अणु भार है और अपान में जो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का अणु भार है, तो देखिए सबकी वैल्यू है, तो VH का मान आपको 25 दिया गया है,
TCL आपको ज्ञात करना मतलब कि क्लोरीन को विसरण होने में टाइम कितना लगा, और यहाँ पर VCL मतलब कि यहाँ पर आपको क्लोरीन का क्या है आयतन दिया गया था 30 था, और यहाँ पर इसका TH का मान 40 दिया है, और इसका मान 72 हम लोगों ने निकाला। और आपको पता है हाइड्रोजन में आपका एक होता है, एक इंटू टू करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व भी करना है तो देखिए 72 में 2 से भाग देंगे 36 बचेगा, 36 को वर्गमूल के बाहर निकालेंगे 6 बचेगा, ओके। एंड इसके बाद इसको सॉल्व करके आप पूरा निकालेंगे तो आपका जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जो क्लोरीन को विसरण होने में टाइम लगेगा 6 इंटू 1225 मतलब कि 288 सेकेंड आपको लगेगा, जो आपका क्लोरीन का यहाँ पर पूरा जो आयतन विसरण होने में टाइम लगेगा। तो 288 सेकेंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका राइट होगा, तो विकल्प नंबर जो आपका सी है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि दो गैसों की विसरण की गतियों का अनुपात 4:6 है, तो गैसों के अणु भारों का अनुपात ज्ञात करना। तो आपको पता है दोनों का क्या हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है, तो आपका दोनों को वर्गमूल करेंगे तो 36 बटे कितना आएगा, 16 आएगा। तो इसको कट करते हैं तो कितने से कट होगा, 4 6, देखिए 4 6 16, 4 9 36, तो आपका 9:4 का रेशियो आएगा, मतलब कि विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो 19 का बी आपका राइट है। अब नेक्स्ट 20 नंबर में है कि वह ताप जिस पर जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, तो वह आपका क्रांतिक ताप होता है, मैंने आपको थ्योरी में आपको बताया हुआ था। तो वो अब 20 के बाद 21 में चलते हैं। बोला गया है कि किसी गैस का 17 डिग्री सेल्सियस तथा 740 mm दाब पर आयतन आपका 800 घन सेंटीमीटर है, तो सामान्य दाब तथा ताप पर गैस का आयतन कितना होगा। तो ताप दाब आपको सामान्य रखना है, ताप भी आपको सेकंड कंडीशन में सामान्य रखना है। तो सामान्य वाला मैंने आपको बताया था कितना होता है, तो देखिए P1V1 और T1 का मान दिया गया है, और P2V2 T2 के बराबर होगा क्योंकि आपको पता है रेशियो बराबर होते हैं। P1 का मान 740 है, V1 का मान 800 दिया है, और T1 का मान 17 दिया था, 273 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर करीबन आपका 290 के करीब हो जाएगा। तो हाँ जी 290 हो जाएगा। अब आगे बोला गया था कि जो आपकी दूसरी कंडीशन है उसमें सामान्य दाब, सामान्य दाब कितना होता है 760, और सामान्य ताप कितना होता है 273 डिग्री केल्विन। तो ये होते हैं आपके, अब इसको देखिए पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका V2 का मान ज्ञात करना था, कितना जाएगा 733.33। तो जो यहाँ पर आपका V2 जो आपका दूसरा आयतन है कितना जाएगा 733.33, मतलब कि जो विकल्प नंबर आपका सी है यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, चार्ल्स का जो नियम होता है उसमें क्या नियत रहता है। तो आपको पता है जो पी होता है वह आपका नियत रहता है, तो जब आपका पी नियत होगा तो देखिए आपका क्या हो जाता है, V/T हो जाता है। V/T यहाँ पर आपका क्या होता है, V/T बराबर आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर विकल्प है जो आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि दो समान पात्रों में एक में आपने H2 भरा, एक में आपने N2 भरा, जिसके दाब क्रमशः 345 मिलीमीटर और एक का यहाँ पर 455 मिलीमीटर है, तो स्थिर ताप पर इन दोनों पात्रों को जोड़ने पर मिश्रण का दाब कितना होगा। तो यहाँ पर आपको आंशिक दाब वाला फार्मूला लगाना है, तो दोनों के आंशिक दाब आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो H2 का आंशिक दाब मतलब कि पार्शियली प्रेशर, तो इसीलिए हमने PP लिख दिया है। तो क्या होता है फार्मूला, पहले आपको पता होना चाहिए। फार्मूला होता है कि जो आपको यहाँ पर प्रेशर दिया हो वह, एंड उसके बाद जो यहाँ पर आपके गैस में जितने यहाँ पर अणु उपस्थित हों तो वह N1 मान लेते हैं, और उसका जो आपके मिश्रण में जितने अणु उपस्थित हों उसको हम लोग N मान लेते हैं। तो आपको दिया गया है H2 का जो यहाँ पर आपका प्रेशर 345, और H2 तो कितने यहाँ पर अणु उपस्थित हैं, दो यहाँ पर आपके अणु है तो ये दो से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद टोटल मिश्रण में इसमें भी दो हैं इसमें भी दो हैं, तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 4 कर दिया। कट करेंगे 2 से यहाँ पर 4 को 2 बार जाएगा तो 345/2 आ जाएगा H2 का यहाँ पर पार्शियली प्रेशर। इसी तरह का सेम जो फार्मूला है उसको लगाते हैं यहाँ पर N2 में, तो 655, इसके भी 2 परमाणु, टोटल आपके 4 थे तो 655/2 आ जाएगा। और यहाँ पर टोटल यहाँ पर प्रेशर ज्ञात करना था, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो आपका कितना जाएगा 500 मिलीमीटर जो आपका प्रेशर आ जाएगा। यही आपको ज्ञात करना था कि इसका टोटल प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा विकल्प राइट होगा, तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर है यहाँ पर आपका ए नंबर विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दो गैसीय यौगिक ए तथा बी के आपेक्षिक द्रव्य क्रमशः 2 तथा 32 हैं,
समान दशाओं में ए का विसरण बी के अपेक्षा कितने गुना होगा ये आपको बताना है। तो पहले देखता हूँ इसको मैंने सॉल्व किया है कि नहीं किया, या फिर आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में दिया। तो आई थिंक मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, तो चलिए तो इसको आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ और इसको आपको सॉल्व करना होगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर आपके जो एम के मान हैं वह दिए गए हैं, आपका एम ए का मान दिया है, एम बी का मान दिया है। तो यहाँ पर आगे क्या है कि ए तथा बी के विसरण की अपेक्षा, तो जहाँ पर आप क्या करेंगे 32/2 करेंगे, आर वन अपॉन आर टू, या फिर आर ए अपॉन आर बी करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आपको फिर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो यहाँ पर ए वाला है बी की अपेक्षा कितने गुना है। जिसका राइट आंसर आएगा दोस्तों उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट हमारी तरफ से होगा। तो 24 को आपको सॉल्व करना है। चलिए 24 के बाद अब 25 की ओर चलते हैं। देखिए 25 में क्या बोला गया है कि 700 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन आपका 200 मिलीलीटर है, तो किस दाब पर आपका इसका आयतन 400 मिली हो जाएगा यदि ताप स्थिर हो। तो आपको पता है जब आपका ताप स्थिर होता है तो P1V1 बराबर क्या होता है P2V2। यहाँ पर आपको देखिए P1 का मान दिया गया है, V1 का मान दिया गया है, V2 का मान दिया गया है, P2 का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलिए ये भी आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हर वीडियो में हमारे आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सॉल्व करने ही होते हैं, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब 26 नंबर देखिए, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। क्या है, एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर आपका दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर आपका दाब 4 वायुमंडलीय दाब है, और यहाँ पर 54 पर आपको दाब ज्ञात करना है। तो देखिए टेम्परेचर यहाँ पर आपका दिया गया है, वैल्यूम आपके कॉन्स्टेंट हो जाएंगे क्योंकि आपका सिलेंडर वही है। तो आपके यहाँ पर फार्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यूम जब आप कॉन्स्टेंट कर देंगे तो उसके बाद जो फार्मूला होता है वो वाला आपको लगाना है। तो आपको 26 नंबर सॉल्व करना है। अब 27 नंबर में क्या है, किस दाब पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो -273 डिग्री सेल्सियस है इस पर आपका यहाँ पर जो आयतन होता है वह शून्य हो जाता है, मतलब कि आपका परम ताप होता है। परम ताप मतलब कि 273 डिग्री सेल्सियस का आपका जो आयतन है ये आपका मतलब कि शून्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मेथेन और ऑक्सीजन की समान मात्रा को एक खाली टंकी में 25 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया गया है, कुल दाब में ऑक्सीजन द्वारा लगाया गया, यहाँ पर आपको आंशिक दाब ज्ञात करना है ऑक्सीजन का। तो देखिए 28 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 28 नंबर ये रहा इसका सोल्यूशन। देखिए पहले पहले हम लोगों ने यहाँ पर निकाला कि जो मेथेन के अणु हैं वे कितने उपस्थित हैं, मेथेन के यहाँ पर कितने अणु हैं, तो एन का मान निकाला। तो आपको पता है एन बराबर क्या होता है, भार बटे परमाणु भार। तो इसका भार आपका दिया गया कि दोनों भार आपके सेम है, तो इसको भी हमने डब्लू मान लिया। और यहाँ पर आपको पता है मेथेन CH4, तो 12 + 1 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो W/16 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं कि यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है इसमें कितने आपके अणु या परमाणु हैं, एन का मान कितना आएगा। तो देखिए आपका भार सेम है और यहाँ पर आपके इसमें कितने हो जाएंगे 32, 16 × 2 = 32 हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपका O2 का फार्मूला होता है कि O2 का आंशिक दाब का फार्मूला क्या होगा। तो देखिए O2 का यहाँ पर पार्शियली प्रेशर, जो आपका प्रेशर होगा वह इनटू, अब यहाँ पर होता है N1, मतलब कि जो यहाँ पर आपका O2 में कितने यहाँ पर आपके N की वैल्यू कितनी है, तो कितनी थी W/32, तो W/32 हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे था कि मिश्रण में कितने आपके अणु होते हैं जिसको हम लोग N बोलते हैं, तो वह क्या था आपके दोनों, मतलब कि इनको और इनको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि उसमें मैंने किया था कि 2 + 2 किया था तो 4 आया था, इसी तरह इसमें आपके W/16 W/32 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए इधर आपका एलसीएम आपका देखिए इधर थोड़ा सा मिस हो गया है, तो इसको आपको सॉल्व करना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना। देखिए डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, इधर ही आपका 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका P/3, मतलब कि जो यहाँ पर आपका O2 का आंशिक दाब होगा वह आपका कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा, तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका जो चार्ल्स का नियम है, दाब वाला जो नियम है, इस पर आपका आधारित होता है। अब 30 नंबर है कि निम्नलिखित गैसों में किसका विसरण की दर सबसे अधिकतम होती है। तो आपको पता है कि जिसका अणु भार सबसे कम होता है विसरण की दर सबसे अधिक होती है, तो NH3 यहाँ पर एक ऐसा है जिसका यहाँ पर विसरण की दर जो होगी वह क्या होगी, यहाँ पर आपकी सबसे अधिक होगी क्योंकि इसका अणु भार क्या आएगा, सबसे कम आएगा। तो ये आपको क्लियर कर लेना है।
अब 31 नंबर में है कि बॉयल के नियम में क्या नियत रहता है, तो आपको पता है पी वी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो यहाँ पर आपका टेम्परेचर होता है कांस्टेंट हो जाता है, तो पी वी बराबर आपका यहाँ पर कांस्टेंट, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब 32 नंबर है कि परम ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन क्या होता है, शून्य होता है, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस वीडियो का क्वेश्चन है, गैसों का वह गुण जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखती हैं तो कहलाती हैं, तो यहाँ पर आपको पता है यह नियम आपका विसरण, जो आपका गुण है क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो गैसों का वह गुण जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध मिलने की प्रवृत्ति रखती हैं वह आपका विसरण कहलाता है, तो 33 का ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों मैंने आपके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है, बहुत ही अच्छे से सभी आपको समझ में आ गए होंगे, यदि आ गए हैं समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना, तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे फिर नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।